एक्सरसाइज 5.5 जो अवकलनीयता की है, डिफरेंशिएशन की है, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इसमें आपको एक दो चीज़ सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे लॉग एम एन अगर कहीं पे दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ लिखूँ लॉग एम एन तो ये हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। इसी तरीके से मान लो कोई दिया हुआ है लॉग एम अपॉन एन, ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। ये अपन ने 11th में चैप्टर होता है वो पढ़ा होगा। तो उससे संबंधित लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स है, दोनों तरफ लॉग लोगे तो इधर लॉग वाई हो जाएगा और इधर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। और एम एन यानी मल्टीपल में दो फंक्शन होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह आ जाता है, और एम अपॉन एन यानी डिवाइड में दो फंक्शन होते हैं तो वो माइनस में चले जाते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको लॉग की याद रखनी है, उसके बाद में इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है वाई इक्वस टू कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स। इस तरह के क्वेश्चन का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैथमेटिक रूप से वैसे फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर अपन यू इंटू वी फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ तीन फंक्शंस हैं यू वी डब्ल्यू, तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अपन ने इसको लिए क्या करते हैं, 5.5 में एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ दोनों तरफ लॉग लेना है। दोनों तरफ लॉग लेने पर ये आपको करना है, दोनों तरफ लॉग लोगे तो एक तरफ हो जाएगा लॉग वाई और दूसरी तरफ हो जाएगा लॉग कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स। ठीक है, अब मैंने एम और एन की प्रॉपर्टी बताई अभी कि एम एन यानी दो फलन जब मल्टीपल में होते हैं, ये मल्टीपल में है सारे एक दूसरे के गुणा में है, तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना जो क्वेश्चन है वो लॉग वाई एक तरफ रहेगा और ये तीनों मल्टीपल में है तो इन तीनों के बीच में लॉग लगने की वजह से प्रॉपर्टी के रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग कोस एक्स, इसके मल्टीप्लाई में ये है तो ये हो जाएगा लॉग कोस टू एक्स और लॉग कोस थ्री एक्स। ठीक है, अब जो फलन अपना यहाँ तक हो गया, अब अपन को जो करना है वो डिफरेंशिएशन करना है या सॉल्व आउट करना है इस क्वेश्चन को। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लॉग वाई का अवकलन 1/y, लॉग वाई का लॉग एक्स का वैसे 1/x होता है तो लॉग वाई का हो जाएगा 1/y, और वाई का एक्स के सापेक्ष क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, वाई का एक्स के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। दूसरी तरफ अपन देखें तो लॉग कोस एक्स है, अब लॉग की वजह से तो हो जाएगा 1/cos x, लॉग की वजह से 1/cos x, और कोस एक्स का खुद का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से लॉग कोस टू एक्स है तो लॉग कोस टू एक्स का लॉग की वजह से हो जाएगा 1/cos 2x, और कोस टू एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू एक्स, और टू एक्स का क्या होगा, माइनस टू। इसी तरीके से लॉग कोस थ्री एक्स है तो कोस थ्री एक्स का हो जाएगा 3/cos 3x। क्यों हुआ, क्यों कि लॉग कोस थ्री एक्स है तो 1/cos x होता है, तो 1/x की वजह से 1/cos 3x, और कोस थ्री एक्स का हो जाएगा -sin 3x। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब अपन जानते हैं साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है 10x। साइन 2x अपॉन कोस 2x हो जाएगा 10 2x, और साइन 3x अपॉन कोस 3x हो जाएगा 10 3x। इसी अब 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आ गया। अगर मैं इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो y यहाँ आ जाएगा, और y आ जाएगा तो -10x -10 2x और -10 3x तो अंदर रहेगा। और y क्या था शुरू में, y था कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स को, तो वाई की वैल्यू पुट कर देंगे कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स, और ये जो बाकी है वैसा का वैसा रहेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या है, प्रॉपर्टी एक याद रखनी है, वो प्रॉपर्टी है आपकी कि लॉग एम एन के फॉर्म में हो, यानी दो फलन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो प्लस में आ जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है अंडर रूट x-1 x-2 x-अपॉन x-3 x-4 x-5।
इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है या डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो इस तरह का फंक्शन का अपन कोई फॉर्मूले से नहीं कर सकते, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, और उस प्रॉपर्टी का नाम होगा लॉग, लॉगरिथमिक लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो एक इधर वाई की तरफ आ जाएगा लॉग वाई, और इधर लॉग की एक्स माइनस वन। अब ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो प्रॉपर्टी थी कि पावर जो होती है यहाँ इस पूरे फंक्शन की पावर कितनी है, रूट है। रूट का मतलब हो गया 1/2। जो पावर होती है वो शुरू में बताया था पावर, यानी एक्स की पावर एक्स है, तो जैसे ही लॉग लोगे तो एक्स कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो यहाँ पावर के रूप में कितना है, 2 है, 1/2 है, तो 1/2 आगे आ गया। एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू दोनों एम इंटू एन, यानी किस फॉर्म में है, मल्टीपल में, तो ये दोनों मल्टीपल में है। और जो अपॉन में है एम अपॉन एन, तो अपॉन में होता है वो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, माइनस एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। यहाँ तक ये समझ में आया, तीन प्रॉपर्टीज याद रखिए बच्चों, एम एन तो लॉग एम प्लस लॉग एन, एम अपॉन एन हो तो ये एम अपॉन एन, एम अपॉन एन, और ये एक्स की पावर एक्स वाले से याद कीजिए कि अगर पावर में कोई चीज़ होती है तो वो पावर पहले आगे आ जाती है। अब ऊपर वाले दोनों मल्टीपल में है, ये सारे तीनों इस ऊपर वाले के डिवाइड में है, तो लॉग एम माइनस एन और इसको ऊपर वाले में लिख लिया, और मैं माइनस यहाँ क्यों आया, क्योंकि एम अपॉन एन होता है तो बीच में फंक्शन में माइनस आ जाता है, एम अपॉन एन होने की वजह से माइनस आ जाता है। अब अपन देखते हैं लॉग वाई इधर 1/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होने की वजह से इनके बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये प्लस का चिन्ह आ गया, और ये तीनों भी मल्टीप्लाई में है तो इन तीनों में भी प्लस का चिन्ह आएगा, लॉग एम माइनस वन, लॉग एम एक्स माइनस थ्री, लॉग एक्स माइनस फोर, लॉग एक्स माइनस फाइव। इस तरीके से यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया। अभी तक अपन ने अवकलन नहीं किया, अपन ने सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया है। लॉग की प्रॉपर्टी दोबारा समझ लीजिए, लॉग एम एन जो होता है इसका मतलब लॉग एम प्लस लॉग एन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब मल्टीप्लाई में दो फलन होते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम अपॉन एन लॉग लगने की वजह से, और डिवाइड में जब होते हैं तो उनके बीच में माइनस आ जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की। और वाई की पावर इक्वल टू, और कोई फलन अगर उसके पावर में होता है, पावर होती है, तो वो पावर लॉग लगने की वजह से आगे आ जाती है। तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब आगे चल, जो आपका क्वेश्चन बना था मैंने वो दोबारा यहाँ लिख दिया है, लॉग वाई इक्व टू 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि वहाँ पावर वन अंडर रूट थी, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, और ये तीनों प्लस में क्यों आए, क्योंकि अपॉन में तीनों थे वो मल्टीप्लाई में थे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो वन लॉग वाई का हो जाएगा 1/y, और इसका हो जाएगा वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2। ये जो पावर है वो ऐसी कैसी, अब लॉग एक्स माइनस वन का 1/x होता है, लॉग एक्स का अवकलन, तो 1/x माइनस वन, एक्स का खुद के सापेक्ष हो जाएगा 1, और 1 का ये जो 1 है इसका हो जाएगा 0। इसी तरीके से ये 1x माइनस टू 1-0, इसी तरीके से ये x माइनस थ्री इसका 1/log x माइनस थ्री, तो 1/x की वजह से ये हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस का 1/x, या 1-0 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो खुद का एक्स का खुद का अवकलन एक होता है, और 4 यानी अचर राशि है तो इसका 0 होता है, लॉग 1/x-5 1-0। इस तरीके से अपन ने डी वाई अपॉन डी एक्स कर लिया। अब मैंने वाई को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा का वैसा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर लास्ट में वाई की वैल्यू पुट कर दी। वाई की वैल्यू जो शुरू में आपको क्वेश्चन में दी हुई थी वो ये वैल्यू दी हुई है, अंडर रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, ये, और ये जो आपका आंसर आया है वो इनमें माइनस लगा दें। तीसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम, इस तरह के क्वेश्चनों को एक ही मेथड है, आपको दोनों तरफ लॉग लेना है, और इजी क्वेश्चन है होता है। अब जैसे y इक्व टू लॉग कॉस एक्स है, अब दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग y इधर आ जाएगा, और इधर लॉग लॉग x और कॉस x। अब कॉस जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, मैंने अभी बताया था। लॉग जो पावर में होता है, जैसे y इक्व टू आपको कोई क्वेश्चन दे दे, y इक्व टू x की पावर 4, दोनों तरफ लॉग लोगे तो इधर हो जाएगा लॉग y, और इधर हो जाएगा 4 लॉग x। ये जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। इसी तरीके से ये कोस एक्स मल्टीप्लाई में आ गया, लॉग लॉग एक्स ये बच गया। अब एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष लॉग वाई का वही 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कोस एक्स और लॉग लॉग एक्स दो फलन हो गए, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब यू इंटू वी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं,
पहले फलन को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, प्लस इस बार जिसको छोड़ा था उसका, जिसका अवकलन किया था उसको छोड़ दिया, और जिसको छोड़ा था उसका अवकलन कर दिया। अब cos x का cos x अवकलन हुआ नहीं क्योंकि पहले फलन में। अब log log x का है, तो पहले log का किया, log का होता है 1/x, लेकिन x किसका कौन है, log x है, तो 1/log x। अब इस log x का खुद का क्या होगा, 1/x। इसी तरीके से इसको इस बार छोड़ दिया, cos x का होता है -sin x, ये -sin x। अब ये देखिए, अब इसको मल्टी log, ये x log x हो गया, और cos x ऐसा कैसा, -sin x ऐसा कैसा, और log log x। अब अगले स्टेप में अपन देखते हैं लास्ट में, y को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो जैसा अपन अब तक करते आ रहे हैं वैसा क्रॉस मल्टीप्लाई। dy/dx क्या जाएगा, log x cos x, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी शुरू में, y log x। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो y log x, ये y की वैल्यू पुट कर दी, और बाकी क्वेश्चन जो था वो ऐसा कैसा, आंसर जो आपका था वो ऐसा कैसा लिख दिया। यहाँ दोबारा देख लो बेटा, log x है, तो log x का अवकलन, log का क्या होता है, 1/x, x किस का जो है वो 1/log x, और log x खुद का क्या हो जाएगा, 1/x। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या किया हुआ है, दो फलन के रूप में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, xy = x^(x-2)/sin x। अब अपन को क्या करना है, इसको y = u(u-v) मानना है अपनी मर्जी से, ठीक है, आपको अपनी मर्जी से मानना है। वेयर u की जगह तो कौन है, u किसको माना आपने, x^x को, और v किसको माना है, 2^sin x, ठीक है। अब पहला फलन अपन को दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और इजी सा क्वेश्चन है, u = x^x, दोनों तरफ लॉग लेने पे, वही जो मेथड अपन करते आ रहे हैं, इधर हो जाएगा लॉग u और इधर हो जाएगा लॉग x^x। अब लॉग u ऐसा कैसा, x^x, अभी मैंने बताया कि पावर होती है वो आगे आ जाती है लॉग लगने की वजह से, तो ये लॉग लगने की वजह से x^ आगे आ गई, इधर हो जाएगा लॉग u। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/u du/d, लॉग u का हो जाएगा 1/u, और u का x के सापेक्ष हो जाएगा du/dx। अब इसमें भी दो फलन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन कर दो, दूसरे को प्लस का निशान लगा कि दूसरे का छोड़ दो, पहले का अवकलन कर दो, वही किया, एक्स को छोड़ा ऐसा कैसा, लॉग एक्स का अवकलन 1/x, प्लस का चिन्ह, लॉग एक्स को ऐसा कैसा रखा, और एक्स का अवकलन कर दिया। अब du/dx इधर रह गया, अब u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर, और ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया 1, और यहाँ dx/dx यानी खुद के सापेक्ष अवकलन हो गया 1, तो log x, तो अंदर तो बच गया 1/x, ये इधर तो 1/x, और u को अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वो u आ गया। अब u क्या था, u था x^x, तो इस वजह से सेम जो अपने दूसरा क्या फलन माना था, वी माना था, वी क्या माना था, 2^sin x, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, वी 2^sin x, दोनों तरफ log लेने पर log v = log 2^sin x, तो log v बराबर वही दोनों पावर है वो आगे आ जाएगी log 2। x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log v का हो जाएगा 1/v dv/dx, और sin x और log 2, ये इसमें देखिए log 2 एक कांस्टेंट फलन है, x नहीं है इसके साथ, इसलिए इसको u/v से नहीं करेंगे, अब इसका log 2 और d/dx सिर्फ sin x का कर देंगे, sin x 1/v dv/dx log 2 sin x का हो गया cos x। अब dv/dv को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये जो आई थी आपकी पहले वो आ गई इक्वेशन नंबर 2, और जो शुरू में अपन ने मानी थी वो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये पुट कर दी मैंने, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी पहले इक्वेशन नंबर 1 का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो वाई का तो हो जाएगा dy/dx, यू का हो जाएगा du/dx, और -v का हो जाएगा dv/dx। अब du/dx और dv/dx की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं इक्वेशन 2 और 3 में, 2 और 3 का प्रयोग इक्वेशन 4 में करने पर, du/dx कितना आया था अपन x^x 1+log x, और dv/dx कितना आया था 2^sin x log 2 cos x। इस तरीके से अपन क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।